हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HVAC के क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, और मैं आपको 5-6 क्वेश्चन वो भी बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ ही लेता है वो क्वेश्चन। सो करते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट अबाउट योर सेल्फ एंड वेयर यू वर्क। ये आपसे सबसे पहले इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा कि आप अपने बारे में बताइए और आप पहले कहाँ काम करते थे उसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली इंट्रो होता है जो आपको बताना होता ही है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको इंट्रो देना है अपना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपके प्लस पॉइंट या आपकी कमजोरी नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो वो आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फ्रेंड्स, आपको बोलना है, चीज़ों को जल्दी सीखता हूँ और एक टाइम पर एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करता हूँ। ये चीज़ों को जल्दी सीखना मेरा प्लस पॉइंट है और एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना वो मेरा नेगेटिव पॉइंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, टेल मी अबाउट योर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। अब आपसे पूछा गया है कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है कि आप प्रेशर के अंदर भी काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यूअर से बोलना है फ्रेंड्स, हाँ मैं अपने आप को शांत रखता हूँ इसीलिए मैं मल्टीटास्किंग भी कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, जो भी आज आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको सेम टू सेम आंसर ये रट लेने हैं और इन क्वेश्चन के यही आंसर बताने हैं। फ्रेंड्स, आप 100% सेलेक्ट हो गए किसी भी इंटरव्यू में। तो बेसिकली अभी हमारे 3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद और 1-2 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, उन्हें भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स 4th, तो हमारा अ रीज़न बिहाइंड लिविंग योर लास्ट जॉब। मतलब आपने अपनी प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ी है, उसका आपसे रीज़न ज़रूर पूछेगा फ्रेंड्स इंटरव्यूअर, तो आपको इस वे में बताना है उसे। सर, मैं अपनी स्किल को बढ़ाने के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसको रिज़ाइन किया है अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5th, अब 5th में देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में पूछेगा फ्रेंड्स, नाउ आफ्टर 5 ईयर यू सी योर सेल्फ। मतलब आप अब से 5 साल बाद अपने आप को किस पोजिशन पर देखते हो। इसमें आपको फ्रेंड्स आंसर देना है, सर मैं अपने आप को सीनियर पोजीशन पर देखता हूँ और आपकी कंपनी के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जैसे यह मेरी खुद की कंपनी है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी वे में इंटरव्यूअर से क्वेश्चन करेंगे तो ये फैक्ट है कि आपको इंटरव्यू में कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। ये आपको रट के बोलना है सारा कुछ जो भी मैंने अब तक बताया है। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स किसी भी इंटरव्यू के लिए। इसके बाद बात करते हैं अब हमारे HVAC में क्या क्या पूछा जाता है उसके लिए। सो HVAC के भी 8 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इंटरव्यूअर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करेगा इंट्रो के बाद, कि चिलर कितने TR का था जो आपने ऑपरेट किया है और किस कंपनी का था, यानी मेक कौन सा था वो, तो आपको बताना है। जैसे 400 TR का था या 500 TR का था या 600 TR का था, और ये कंपनी के नाम है फ्रेंड्स कैरियर, हिटाची, ब्लू स्टार और ट्रेन। इसमें से आप किसी भी कंपनी का बता सकते हो जिस जो भी आपने ऑपरेट किया है, तो आपको ऐसे बताना है कि सर मेरा 400 TR का चिलर था और इस कंपनी का था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा फिर फ्रेंड्स आपसे कि चिलर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, आपको तैयार रहना है अगले क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारे चिलर होते हैं आप जानते हैं वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड चिलर होते हैं, लेकिन वेम टाइप और DX टाइप भी अगर आप बताओगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा इंटरव्यूअर के आगे। तो आपको मेन तो 2 ही है फ्रेंड्स, एयर कूल्ड वाटर कूल्ड, उसके बाद आपको ये 2 और बताने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स थर्ड होगा फ्रेंड्स कि चिलर की क्या क्या सेफ्टी होती है, ये आपसे पूछेगा 101% पूछेगा फ्रेंड्स अगर आप HVAC ऑपरेटर या सुपरवाइज़र के लिए जा रहे हो। तो फर्स्ट वाटर फ्लो स्विच, एंटी फ्रीज, HP यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर कटआउट, वाटर सेपरेटर और प्रेशर रिलीफ वाल्व। लास्ट में फ्रेंड्स मैंने लिखा है एंटी सर्ज, हालांकि आपको बताया नहीं है एंटी सर्ज के बारे में, ये किसी मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक इसकी स्पेशल वीडियो होगी कि एंटी सर्ज क्या होता है, क्यों होता है और हम इसे ट्रावल शूट कैसे कर सकते हैं, इसे हम रीसेट कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स।
देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 होगा, तो 4th क्वेश्चन आपसे करेगा, चिलर में कौन सी रेफ्रिजरेंट होती है। तो आप जानते हैं फ्रेंड, जो भी हमारे चिलर होते हैं, बड़े कंप्रेसर होते हैं, उनमें R134a ही होती है। इसका केमिकल नाम होता है फ्रेंड्स टेट्राफ्लोरोइथेन। इसके सक्शन डिस्चार्ज प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स। तो अप्रोच बेसिकली दोनों तरफ होती है फ्रेंड, कंडेंसर साइड भी और इवापोरेटर साइड भी। अब दोनों कैलकुलेट भी फ्रेंड्स सेम ही प्रोसेस से होती है, सेम फॉर्मूला होता है। तो इसका होता है फ्रेंड्स सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस वाटर लीविंग टेम्परेचर। मतलब अगर कंडेंसर निकाल रहे हो तो कंडेंसर सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस कंडेंसर वाटर लीविंग टेम्परेचर, वैसे ही इवापोरेटर का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिलर को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये पूछेगा आपसे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है फ्रेंड्स कि हम कूलिंग टावर में पानी चेक करेंगे, उसके बाद हम पावर सप्लाई चेक करेंगे, देन लाइन में जो एयर है उसे हम निकालेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे वाल्व होते हैं पंप में या चिलर में वो ओपन कर देंगे फ्रेंड्स, और अपने जो भी पंप हैं वो तीनों पंपों को हम कमांड दे देंगे। देन इसके बाद हम चिलर को स्टार्ट होने की कमांड देंगे, क्योंकि चिलर में 2-3 मिनट का टाइम लगता है फ्रेंड्स स्टार्ट होने में, 1.5 से 3 मिनट का लगता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताना है, जैसे वोल्टेज 415 होने चाहिए, वॉल्व ओपन होने चाहिए, कूलिंग टावर में पानी भरा हुआ होना चाहिए, आपको इसी तरह बता देना है, ईजी है फ्रेंड्स सब कुछ। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7। सो 7 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है फ्रेंड्स। ये आपको बना के भी दिखानी होगी, वहाँ आप वीडियो देख सकते हैं और वैसे बता सकते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जगह की गर्मी को निकाला जाता है, इसीलिए इसे हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं फ्रेंड्स। ये एक प्रोसेस होता है हमारा रेफ्रिजरेशन, जिसके द्वारा हम हीट रिड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एट में आपसे पूछने वाला है फ्रेंड्स, चिलर चल रहा है हमारा अभी, और अगर वो बंद हो गया है, सडनली बंद हो गया है, ट्रिप हो गया है, तो आप क्या करोगे उसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें सीनियर को ही बताना होता है कि मतलब रिपोर्टिंग करनी होती है, उसके बाद हम बताएंगे कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पैनल पर जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हमारे वोल्टेज प्रॉपर हैं या नहीं है, या फिर सप्लाई तो ट्रिप नहीं कर गई है। नहीं तो फ्रेंड्स उसके बाद हम अपने चिलर के पैनल पे जाएंगे, स्क्रीन पे जाएंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस सेफ्टी की वजह से ये ट्रिप हुआ है, कौन सा अलार्म आया हुआ है, और उसके बाद फ्रेंड्स हम उसे रीसेट कर देंगे। देन अपने सीनियर से पूछ के फ्रेंड वापस ऑपरेशन में ले आएंगे चिलर को रीसेट करने के बाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप चैनल पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।